तो हे गाइस, काफी ज्यादा यूजर का ये कहना था कि MIUI 12.5 का स्टेबल टेस्टिंग डिवाइस लिस्ट कब आएगा हमारे इंडियन और ग्लोबल यूजर के लिए। तो फाइनली आज Xiaomi की तरफ से आप सभी के लिए MIUI 12.5 स्टेबल टेस्टिंग डिवाइस लिस्ट आ चुका है। दोस्तों, आपका डिवाइस नेम है या नहीं आप लोग कैसे पता करें, तो आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। और उससे पहले दोस्तों, आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना होगा, जहां पर आप सभी को हर अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, जो कि आप सभी को डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है। अगर दोस्तों आपने हमारा कल का इवनिंग का वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देख लेना, उसको भी थोड़ा प्यार एंड सपोर्ट कर देना। उसमें भी आप सभी को MIUI 12.5 के स्टेबल डिवाइस लिस्ट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को एक स्क्रीनशॉट दे देना चाहते हैं, जहां पर आप सभी को हर अपडेट से रिगार्डिंग हर डिवाइस लिस्ट का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो, MIUI 12 स्टेबल टेस्टिंग डिवाइस लिस्ट, सारा डिवाइस लिस्ट यहाँ पर आ गया है जो नया अभी जारी किया है। MI 11 Lite 4G, 5G, MI 10 Lite, MI 10T Lite, MI 10 Zoom Youth Edition, MI 10T, 10T Pro, Redmi K30S, K30S Ultra, MI Note 10, Note 10 Pro, CC 9 Pro, MI 9 Pro 5G, MI 90, MI 90, Redmi K20, MI 90, MI CC 9, MI 8, MI 8 SE, MI 8 Pro, MI 8 UD, 8 EE. मतलब इन सभी डिवाइस हैं MI सीरीज में। उसका दोस्तों MI Max 3 इस डिवाइस को भी ऐड किया गया है दोस्तों यहां पर न्यू डिवाइस लिस्ट में। उसका दोस्तों Redmi 10X, 10X Pro, 10X 5G, Redmi K30, K30 Ultra, Redmi K30 5G, K30i 5G, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 90, Redmi Note 9, Note 9S, Redmi Note 8, Note 8 Pro, Redmi Note 7, Note 7 Pro, Poco X3 NFC वेरिएंट। मतलब इन सभी डिवाइस का जो है नया नाम यहां पर आया है Xiaomi के तरफ से। खासकर दोस्तों बात करते हैं Redmi सीरीज और Poco सीरीज के, तो Redmi के बहुत सारे स्मार्टफोन हैं जो कि हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, और MI सीरीज के MI 11, MI 10 ये दोनों सीरीज भी हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, जो बहुत सारे यूजर यूज करते हैं। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, डिवाइस इन इंटरनल स्टेबल बीटा टेस्टिंग, इन सभी जो डिवाइस है इन सभी डिवाइस में अभी बीटा टेस्टिंग चल रहा है। और आप सभी लोग जानते हो हमारे इंडिया और ग्लोबल के बहुत सारे डिवाइस मैच करते हैं, पर चाइना के जो डिवाइस हैं इस पर अभी स्टेबल बीटा टेस्टिंग रन कर रहा है। मतलब कुछ डिवाइस को वहां पर अपडेट जो है देखने को मिला है। उसका दोस्तों सारा इन्फॉर्मेशन आप सभी को स्क्रीनशॉट पर मिल जाएगा। और दोस्तों आप सभी लोग को बता देना चाहते हैं कि कौन से डिवाइस को अपडेट जो है देखने को मिल चुका है, MI 11 ग्लोबल और यूरोप, MI 9, Redmi K20 Pro। मतलब इन सभी डिवाइस को स्टेबल रिलीज बिल्ड देखने को मिल चुका है, रिलीज डिवाइस जो है यहाँ पर नए डिवाइस यहाँ पर आया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके देख लेना, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।